नमस्कार, स्वागत है आपका खासखबर.com पर और मैं हूं पलक गुप्ता। आइए डालते हैं एक नजर राजस्थान की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ज्वेलरी एसोसिएशन द्वारा सीतापुरा स्थित JECC में आयोजित जस 2024 का किया उद्घाटन। राज्यपाल ने पूर्व DGP मोहनलाल लाठर को मुख्य सूचना आयुक्त पद पर दी नियुक्ति, 3 अन्य को सूचना आयुक्त बनाया। राजस्थान में मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद JP नड्डा से मिले किरोड़ी लाल मीणा। 200 में बैंक में ग्राहक के बैग से 50,000 रुपए पार करने वाली गैंग के 2 बदमाश गिरफ्तार। 200 में गुजरात के पूर्व राज्यपाल नवल किशोर शर्मा को जयंती पर दी पुष्पांजलि। भरतपुर के RBM अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड ने मरीज और उसके परिजनों को लाठियों से पीटा, वीडियो भी वायरल, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ दी शिकायत। अजमेर जेल में बंद टेलर कन्हैयालाल की हत्या, रेड रियाज अत्तारी की तबीयत बिगड़ी, आंखों और पेट की बीमारी से संबंधित डॉक्टर्स को दिखाया। अलवर के सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मिनी सचिवालय में अधिकारियों के साथ की बैठक, नालों की सफाई करने के दिए निर्देश। राजधानी जयपुर में तेज बारिश, अलर्ट जारी। राजस्थान के रिंगस सड़क हादसा, खाटू मार्ग पर पेड़ से टकराई बेकाबू कार, 2 युवकों की मौत। अजमेर में जयपुर ACP टीम की बड़ी कार्रवाई, ASI को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। डूंगरपुर जिले की पहली ट्रांसजेंडर कॉलेज स्टूडेंट बनी यशवंती, साल 2016 में 12वीं पास के बाद अब मिला एडमिशन। जयपुर में घर में आग लगने से युवक की मौत, मां के मरने के बाद से डिप्रेशन में था। टोंक के मालपुरा क्षेत्र की सहोदरा नदी उफान पर पार कर रहे ट्रैक्टर ट्रोली सवार 3 युवक बीच में फंसे। चूरू के रतनगढ़ में 1,57,59,000 रुपए की लागत से बना शहरी गौरव पथ हुआ क्षतिग्रस्त। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्री प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को बांटी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। जयपुर में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी की उपस्थिति में पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण का शुभारंभ। करौली में विद्यार्थियों एवं अभिभावकों ने स्कूल गेट पर ताला लगाकर किया प्रदर्शन। बीकानेर जिले के लूणकरणसर थाना पुलिस ने कालू टोल नाके के पास 2 युवकों को नकली नोट के साथ किया गिरफ्तार। भरतपुर में ईसाई धर्म में परिवर्तन करने का सेंटर पकड़ा, 20 लोग पुलिस हिरासत में। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी खबरें विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.khaskhabar.com पर लॉगिन करें और प्ले स्टोर से हमारे ऐप खास खबर को डाउनलोड करें। नमस्कार।